Hi everyone, welcome to Vedantu Neat Made Easy with your master teacher Bhumika Mehta, botany expert. Hai na, hum mile hai to understand important features of algae, 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 hai na? Chalo, isi se pehle to ye dekh lete ki vote ek comeback kyu hai. वोट वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम इज अ कमबैक बिकॉज इट्स ऑल इंडिया लेवल पे फ्री एग्जाम लाइव एग्जाम विद इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस गारंटीड स्कॉलरशिप डेली चैलेंजेस जीतने का मौका नासा की ट्रिप एंड वेदांतु का सीईओ बनने का मौका. ये देखो ये है आपके डेली चैलेंजेस जो आप जीत सकते हो. इतना ही नहीं तो वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग अ क्रैश कोर्स जो शुरू हो रहा है आज से मतलब 5 अप्रैल से. ठीक है, क्रैश कोर्स का फीस है 10,000 रुपीज. लेकिन अगर आपको ज्वाइन करना है आज और अगर आप यूज कर रहे हो कूपन कोड BMCC तो आपका क्रैश कोर्स का फीस हो जाएगा 7,000. क्रैश कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, फटाफट जाओ लिंक पे क्लिक करो और अपने डिटेल्स भर के कूपन कोड क्या यूज करोगे BMCC. लेकिन रुको रुको, यू विल ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू क्रैश कोर्स से आपको फायदा क्या हो रहा है. द बेनिफिट दैट यू गेट इज आपका नीट स्कोर इजिली बूस्ट होगा बिकॉज 120 सेशंस में आपका पूरा नीट का सिलेबस 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा रिवीजन हो रहा है. प्लस अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग होगा विथ डाउट एक्सपर्ट्स, है ना. और ये डाउट एक्सपर्ट्स कहाँ मिलेंगे तो हमने बोला डाउट ऐप पे 8 AM से 11 PM तक. तो आपको नेक्स्ट डे टीचर का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि डाउट ऑन द स्पॉट क्लेरिफाई हो जाएगा. इससे इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको फुल टेस्ट और पार्ट टेस्ट मिलेंगे, वो भी पूरे पूरे 10 और 10. मतलब अगर आप टेस्ट सीरीज भी सोच लो ना तो वो भी होता है 2,000 का और ये आपको मिल रहा है पूरा फ्री इन 7,000 का क्रश कोर्स. प्लस आपको अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स मिलेंगे, रोड मैप्स मिलेंगे, कंसेप्ट मैप्स मिलेंगे, निमोनिक्स मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या मिलता है, वो चीट कोड्स, NCERT अंडरलाइनिंग, ऐसा सब कुछ फॉर एंटायर नीट मेन सिलेबस ताकि आपका नीट का स्कोर अच्छे से बूस्ट हो सके. प्लस इट्स अ टू वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म. भाई किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो ये बता दो, किस चीज़ का. भाई आज से शुरू हो रहा है, 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है. अगर आज एनरोल नहीं करोगे तो सिलेबस कब खत्म होगा सोच लो. 1 अगस्त से तो आपकी एग्जाम आ रही है ना. तो अब इसी के साथ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज किंगडम प्लांटे. अरे किंगडम एल्गे था ना, नहीं, किंगडम प्लांटे में से एल्गे के फीचर्स पढ़ने थे. तो हमको पता है किंगडम प्लांटे दो पार्ट में डिवाइड होता है, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम. और हमको ये भी पता है कि क्रिप्टोगैम में आएगी हमारे पास 3 चीजें, दैट इज वैस्क्यूलर प्लांट्स, नॉन वैस्क्यूलर प्लांट्स. तो हमने बोला नॉन वैस्क्यूलर प्लांट्स में आएंगे एल्गे एंड ब्रायोफाइटा, और क्रिप्टोगैम जो वैस्क्यूलर है उसमें हमारे पास आएगा टेरिडोफाइटा. फिर फेनेरोगैम्स जो वैस्क्यूलर है उसमें हमारे पास आएंगे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. तो ये रहा आपका पूरे किंगडम प्लांटे का कंसेप्ट मैप, ये पूरे चैप्टर का कंसेप्ट मैप है. क्या क्या याद रखना है, एल्गे ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम में है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म फेनेरोगैम में, दैट्स इट. अब नेक्स्ट क्या याद रखो, तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये पानी में बहता हुआ ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर कौन था, ये है एल्गे. इसको पढ़ने वाले हम आज 10 मिनट के सेशन में. एल्गे की पढ़ाई को क्या बोलोगे, मतलब आज 10 मिनट तक हम क्या पढ़ने वाले, बायोलॉजी नहीं, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी. ठीक है, ये बताया था हमको कार्ल लीनियस ने, देयरफॉर ही इज नोन एज फादर ऑफ एल्गोलॉजी और फादर ऑफ फाइकोलॉजी. एल्गे के बॉडी में रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, जाइलम, फ्लोएम ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, सिंपल सा बॉडी होता है विदाउट फर्दर डिफरेंशिएशन. एंड इसीलिए ऐसे अनडिफरेंशिएटेड बॉडी को हम थैलॉइड बॉडी बोलते हैं. बट क्योंकि खुद का खाना खुद बना सकते हैं हमने बोला ये ऑटोट्रोफिक है. सिंपल, कहाँ मिलेंगे एल्गे, तो देखो भाई ये हमको मिलेंगे पानी में, एक्वेटिक, मरीन वाटर भी हो सकता था, फ्रेश वाटर भी हो सकता था. तो अगर आपके आसपास बारिश के सीजन में पानी जमा हो जाता है और आपको ऊपर ग्रीन कलर की परख दिखती है जिस पे अगर गलती से पैर रख दिया तो हाय माँ कमर टूटी, तो वो एल्गे था. सो एल्गे हमको कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में. इतना ही नहीं, सी मेजॉरिटी एल्गे एक्वेटिक होते हैं, आई अग्री टू इट, बट देर आर सम एल्गे जो कहाँ मिलते हैं आपको, पत्थरों पे. लेकिन
मेंटेन, पत्थर कैसे होने चाहिए थे, मॉइस्ट मतलब पानी तो जरूरी है, फिर भी उतना ही नहीं तो एल्गी हमको वुडन पार्ट्स पे भी मिलेगा, लेकिन वो भी मॉइस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, एल्गी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जैसे तुम में से कुछ हो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे दोनों को बेनिफिट्स हो, है ना, जैसे कि एल्गी और फंगाई अगर है तो एल्गी खाना बनाएगा, फंगाई प्रोटेक्शन देगा, और इनके इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हमने क्या बोल दिया, लाइकेन। देखो भाई देखो, एल्गी तो एनिमल्स के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है, जैसे कि ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा था स्लॉथ बेयर, और इसी स्लॉथ बेयर के साथ एल्गी ने, ये देखो दिख रहा है, इसके जुल्फों के ऊपर एल्गी ग्रो हुए। सो दैट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी विद स्लॉथ बेयर। नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं एल्गे में कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे। तो हमने बोला एल्गे के अंदर वो पिगमेंट्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, यू कॉल इट एज एसेंशियल पिगमेंट, और वो भी होंगे जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी तो है लेकिन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी नहीं रखता। सी, एसेंशियल पिगमेंट वो होगा जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, वो होता है एसेंशियल। जो लाइट लेता है और लाइट दे देता है, उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, वो होते हैं एक्सेसरी। एसेंशियल पिगमेंट में एक ही आता है, क्लोरोफिल ए, एक्सेसरी में क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, कैरोटीनॉइड्स जिसके दो एग्जाम्पल आएंगे, कैरोटीन एंड जैंथोफिल, एंड फाइकोबिलिन्स जिसमें दो आएगा, फाइको एरिथ्रेन एंड फाइकोसाइमिन। इतना ही नहीं, तो हमने बोला इफ आई कंसिडर रिज अ फूड, तो कुछ एल्गे ऐसे होंगे जिनमें स्टार्च स्टोर होगा, कौन है वो, तो हमने बोला वो है हमारे ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट में, नोन एज पाइरेनॉइड्स, जहां पे वो लोग स्टार्च स्टोर करेंगे, ठीक है, कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट, ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गे स्टोर करेगा लैमिनेरिन स्टार्च एंड मैनिटॉल, दोनों भी, लैमिनेरिन स्टार्च बोला, मैनिटॉल बोला, दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये कौन है, तो हमने बोला ये है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, अगर रेड एल्गे की बात की तो उसमें हमको मिलेगा फ्लोरिडियन स्टार्च, जो ग्लाइकोजन जैसा ज्यादा रहेगा और स्टार्च जैसा कम रहेगा, इट्स मोर लाइक ग्लाइकोजन लेस लाइक स्टार्च, इसलिए हमने उसको अलग नाम दे दिया फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ग्रीन एल्गे में स्टार्च होगा, ब्राउन एल्गे में लैमिनरिन स्टार्च एंड मैनिटॉल होगा, रेड एल्गे में फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। नेक्स्ट, फिर अगर बात कर ले कि एल्गे की बॉडी कैसे होगी, तो हमने बोला एल्गे के बॉडी में रूट स्टेम लीफ नहीं होता है, इसलिए उसके बॉडी को क्या बोलते हो आप, थैलस। अब थोड़े से ना अच्छे अच्छे इमेजेस लेके आई हूँ मैं आपके लिए, ये देखने के लिए, थोड़े अच्छे ये दिखाने के लिए कि एल्गे का थैलस कैसा होता है, ठीक है, पहले उसका ओवरव्यू देख लेते, एक कंसेप्ट मैप बना लेते दिमाग में, फिर इमेजेस देखते। ये देखो, या तो एल्गे के पूरे बॉडी में एक ही सेल होगा यूनिसेल्यूलर, या फिर बहुत सारे सेल होंगे मल्टीसेल्यूलर। अगर एक ही सेल है तो वो फ्री खुलेआम कर जहां मन किया वहां जा सकता है, मोटाइल है क्योंकि फ्लैजुला था, या फिर वो नॉन मोटाइल है क्योंकि फ्लैजुला नहीं था। अगर मल्टी सेल्यूलर है तो पतले पतले लंबे धागे जैसा होगा, मतलब फिलामेंटस या फिर कोलोनियल ग्रुप में रहता होगा। अगर फिलामेंटस है तो दो ऑप्शन, ब्रांचेस है तो ब्रांच्ड, ब्रांचेस नहीं है तो अनब्रांच्ड। अब इमेजेस देखो, सबसे पहला ये वाला, इसमें हमको क्या दिख रहा है, ये देखो, ये ग्रुप के फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं कोलोनियल, और ये कोलोनियल एल्गे कौन है, तो हमने बोला वॉल्वॉक्स। उसके बाद ये देखो, ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब ये कैसा था, फिलामेंटस, ये भी फिलामेंटस, ये भी फिलामेंटस, कहीं पे भी आपको ब्रांचेस दिख रहे क्या, नहीं, मतलब ये दोनों भी कैसे थे, अनब्रांच्ड। इसका एग्जाम्पल आएगा यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ये देखो, ये बेचारे सिंगल सिंगल यूनिसेल्यूलर, लेकिन चलने के लिए कुछ नहीं है, मतलब नॉन मोटाइल, तो ये यूनिसेल्यूलर भी है और ये नॉन मोटाइल भी है, कौन है ये, पहचान कौन, तो हमने बोला ये है क्लोरेला। नेक्स्ट, ये देखो, ये इतना बड़ा था तो हमने बोला ये तो पक्का मल्टीसेल्यूलर है, धागे धागे जैसा दिख रहा है, मतलब फिलामेंटस है, और ये क्या, ये मेन था, ये उसमें से निकला, ये इसमें से, फिर ये इसमें से, ये इसमें से, अरे भाई कितने सारे, मतलब ये तो है ब्रांच्ड, और इसको हम बोलेंगे खारा।
नेक्स्ट ये देखो, ये बेचारा एक ही सेल वाला है, क्लेमाइडोमोनास, नाम इतना बड़ा, दर्शन छोटे, एक ही सेल है, यूनिसेलुलर। फिर ये देखो, ये आपको दिखेगा दो फ्लैजेला थे इसके पास, मतलब ये कैसा था, मोटाइल, चलने फिरने वाला। नेक्स्ट, हाँ ये तो पूरा समुंदर आ गया, क्या है ये? ये है सी, और सी के अंदर एल्गे ने पूरा फॉरेस्ट बनाया है, और ये है हमारा एल्गे नोन एज सार्गेसम। ये सार्गेसम है जो सी के अंदर फॉरेस्ट बनता है, सी वीड बोलते हैं इसको कॉमनली, या फिर इसको हम बोलते हैं सार्गेसम, ये केल्प बनता है। ठीक है, तो हमको एटलीस्ट ये समझ गया एल्गे का बॉडी कैसा होता है, इतना फैसिनेटिंग होता है ना एल्गे। अब जाते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे, तीन डिफरेंट मेथड्स, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में या तो करेगा बाइनरी फिजन या फिर करेगा फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशन, एंड सेक्सुअल में तीन ऑप्शन, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। शुरू करते बाइनरी फिजन के साथ। ये देखो, एक सेल था, एक सेल ब्रेक होके दो सेल बन गया, तो दो के लिए वर्ड आएगा बाय, और फिजन मतलब ब्रेक होना, तो बाइनरी फिजन, क्योंकि एक सेल दो में ब्रेक हो गया। या फिर अगर एक था और वो कितने सारे चिंटू चिंटू टुकड़ों में ब्रेक हो गया, और हर एक टुकड़े से एक नया प्लांट आया, मतलब हर एक स्पाइरोगायरा के पार्ट से एक नया स्पाइरोगायरा आ गया, तो इसको हम बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। ये हो गया वेजिटेटिव मेथड। एसेक्सुअल मेथड में क्या आएगा? तो हमने बोला एसेक्सुअल में आएगा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में ये देखो, ये थे मोटाइल स्पोर, मोटाइल स्पोर को बोला जाएगा जूस्पोर, बट जरूरी नहीं है हर स्पोर मोटाइल हो, कुछ स्पोर नॉन मोटाइल भी होते हैं। ये जनरली नॉन मोटाइल स्पोर आपको दिखता है इन केस ऑफ स्पाइरोगायरा, एंड यस आल्सो इन केस ऑफ रेड एल्गे, रेड एल्गे में नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं। नेक्स्ट, फिर हमने बोला सेक्सुअल मेथड, तीन ऑप्शन थे। देखो, अगर प्लस एंड माइनस मतलब मेल एंड फीमेल, अगर मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों एकदम सेम टू सेम, डिट्टो सेम है, तो बोलोगे आइसोगैमस। फंक्शनली, मॉर्फोलॉजिकली आप उसको अलग कर ही नहीं सकते हो, दोनों सेम दिखते, आइसोगैमस। अगर दोनों स्ट्रक्चरली डिससिमिलर है, ये देखो फीमेल गैमेट बड़ा है, मेल छोटा है, लेकिन दोनों भी मोटाइल है, तो बोलोगे एन आइसोगैमी। अगर फीमेल बड़ी है और नॉन मोटाइल है, मेल गैमेट बेचारा चिंटू है और मोटाइल है, तो बोलोगे ऊगैमी। एग्जाम्पल्स देख लो, मोटाइल, दोनों गैमेट्स मोटाइल है, आइसोगैमी है, क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स। दोनों भी नॉन मोटाइल है लेकिन आइसोगैमी है, स्पाइरोगायरा एंड क्लोरेला। नेक्स्ट, एन आइसोगैमी सीन इन सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास एंड यूडोरेना। और लास्ट ऊगैमी, वॉलवॉक्स, फ्यूकस और सारे सारे रेड एल्गे, सब में आपको क्या दिखेगा? उगैमी। कितने क्लास होते हैं एल्गे के? तीन, क्लोरोफाइसिए, फियोफाइसिए, रोडोफाइसिए, आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे। ठीक है, सीपीआर, क्लोरोफाइसिए, फियोफाइसिए, रोडोफाइसिए, फटाफट रिवाइज कर ले हमारा लास्ट पार्ट। ग्रीन एल्गे, क्लोरोफाइसिए, क्या दिखा? पिगमेंट के नाम पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड। हाँ ये देखो, ये एक इजी तरीका होता है याद करने का, इसमें होगा ए बी, इसमें होगा ए सी, इसमें होगा ए डी, तो याद रह जाएगा ए बी ए सी ए डी। इसी से शुरू कर लिया हमने ग्रीन एल्गे में ए बी। ए बी के साथ साथ याद रख लो, ग्रीन एल्गे है, कलर होना चाहिए ग्रीन, कंपल्सरीली ग्रीन कलर होना ही चाहिए। नेक्स्ट, स्टोर्ड फूड, क्या स्टोर करेगा बॉडी में? स्टार्च, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था, पाइरेनॉइड्स के फॉर्म में स्टार्च होगा। नेक्स्ट, सेल वॉल, तो हमने बोला सेल वॉल में इसके पास सेल्यूलोस का सेल वॉल होगा, एंड नंबर ऑफ फ्लैजेला कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा आठ, तो 2 to 8 फ्लैजेला होंगे अपाइकल पोजिशन पे, और दोनों भी इक्वल साइज के। ठीक है, नेक्स्ट, कहाँ मिलेंगे? तो हमने कॉमनली देखे होते, मतलब ये जनरली फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इसी के साथ जाते हैं टू ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे का कलर, तो हमने बोला ब्राउन एल्गे का कलर जाएगा फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन। ऑलिव ग्रीन से डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन इसलिए बोला क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और सी के साथ फ्यूकोजैंथिन होता है, तो फ्यूकोजैंथिन अगर कम है तो कलर ऑलिव ग्रीन होगा, अगर ज्यादा है तो कलर ब्राउन होगा। नेक्स्ट, तो इसका मतलब फ्यूकोजैंथिन वो है जो ब्राउन कलर देता है।
ठीक है, स्टोर्ड फूड लैमिनरिन स्टार्च एंड मैनिटॉल हमने बताया था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा ये। सेल वॉल सेल्यूलोज से तो बना ही है, लेकिन साथ में हाइड्रोकोलॉइड होगा जिसको हमने नाम दे दिया एल्जिन। और उसके साथ साथ क्योंकि ये रहते हैं सी में, इसके पास क्या प्रेजेंट रहेगा? आयोडीन। नंबर ऑफ फ्लैजेला मतलब दो थे, एक छोटा है एक बड़ा है, सो देयर आर टू फ्लैजेला, लैटरल साइड में थे और अनइक्वल। प्लस अगर आपने हैबिटेट की बात की तो क्या दिखेगा? तो हमने बोला देखो ब्राउन एल्गे जैसे सार्गेसम, लैमिनेरिया, फ्यूकस, ये सब मिलते हैं आपको मरीन वाटर, बहुत रेयरली फ्रेश वाटर में दिखेगा, कॉमनली मरीन वाटर में मिलता है ये। लास्ट रेड एल्गे, रेड एल्गे जो रहेगा इनके पिगमेंट्स कैसे होंगे? तो हमने बोला क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोएरिथ्रिन, इसलिए रेड एल्गे का कलर ब्लूइश ग्रीन से लेके डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड तक होगा, क्योंकि फाइकोएरिथ्रिन होता है जो रेड कलर देता है। अगर फाइकोएरिथ्रिन कम है तो ब्लूइश ग्रीन कलर दिखेगा, जैसे कि बट्रैकोस्पर्मम में दिखता है। बट अगर फाइकोएरिथ्रिन ज्यादा है तो कलर रेड दिखेगा, जैसे कि ग्रासिलेरिया या जेलिडियम में दिखेगा। स्टोर फूड फ्लोरिडियन स्टार्च जो ग्लाइकोजन जैसा ज्यादा और किसके जैसा कम? स्टार्च जैसा कम। सेल वॉल किससे बना था? सेल वॉल बना था सेल्यूलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स एंड केराजिन। केराजिन फिर से कौन होगा? तो हमने बोला केराजिन होगा हाइड्रोकोलॉइड। सिंपल। लास्ट नंबर ऑफ फ्लैजेला तो हमने बोला है ही नहीं भाई, ये क्या होता है, फ्लैजेला तो नहीं रखते हम। फ्लैजेला एब्सेंट कंप्लीटली नॉन मोटाइल होते हैं रेड एल्गे, इनके गैमेट्स भी नॉन मोटाइल, इनके स्पोर भी नॉन मोटाइल। कहाँ मिलेंगे रेड एल्गे? तो हमने बोला मोस्टली मरीन, वो भी ओशंस। ठीक है, सी में ब्राउन एल्गे मिलेंगे, फ्रेश वाटर में ग्रीन एल्गे और ओशन में रेड एल्गे। इसी के साथ हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एल्गे खत्म किया। स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु नीट मेड इजी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। यस, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त पे। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।